नाज भी नाज भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज खबरनामे के साथ मैं हूँ और मैं हूँ नाजिया कमल स्पोर्ट्स न्यूज में हमारा साथ देंगे शफीक खान और स्पोर्ट्स बुलेटिन में हम शामिल करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन एट के हवाले से कुछ अहम खबरें मौसम का अवाल बता रहे हैं कासिम अली और आपको बताएंगे क्या आइंदा चौबीस घंटे के दौरान मुल्क के बेशर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस का की काबीना का अजलास हज पॉलिसी 2023 और कौमी क्लीन एयर पॉलिसी की मंजूरी वजर मोहम्मद शहबाज शरीफ की हो जाए कराम को तमाम मुमकिन सहूलतों की फ्रहमी के लिए मौसर और जाम हमत अमली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत क्लीन एयर पॉलिसी के इतिराक़ से आइंदा दस बरसों में जहरीली गैसों के अखराज में औसतन औस चालीस फीसद कमी आएगी काबीना इजलास में कौमी एसाफ तरमी ऑर्डीनेंस दो तो हजार तेईस की भी मंजूरी डिजन की आई एम एफ ऐसी चंद दिनों में तय पा जाएगा इमरान खान ने आई एम एफ के प्रोग्राम ऐसी इनहराफ किया मुल्की कर्जों में इजाफा किया तरक्याती इधारों के एतम को नुकसान पहुँचायाशी मुश्किल खत्म करने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना है मसाइल आरोप जल्द काबू पालेंगे बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए करेंगे वजीर खजाना इमरान अदालत के लिए बीमार रैली के लिए तैयार अपने बच्चे लंदन में और कौन के बच्चों को सड़कों पर ला रहा है विसाखियां गई तो अकल ठिकाने नहीं आ रही पार्लियामेंट से इस्तीफे देने वाले अब वापसी की भीख मांग रहे हैं यह दुनिया की पहली तहरीक है जिसका लीड, लीडर घर में छुपकर बैठा है पहले एहतसाब होगा फिर इंतखा चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग लीगम दहशत गर्दी की वापसी का जिम्मेदार फॉरन फंडेड घड़ी चोर सिक्योरिटी का बहाना बनाकर फिर अदालत नहीं आया अदलिया से बचो तहरीक पर सिक्योरिटी मसला नहीं होता अदालत बुलाए तो बीमारी माजूरी और बुजुर्गी वीडियो लिंक गीदड़ तलाशी नहीं दे रहा क्योंकि वो फॉरन एजेंट भी है और घड़ी चोर भी वजी तलाक मरियम औरंग तेज रफ्तार तरक्की के लिए डिजिटल जद्दत अपनाने की जरूरत है मुल्क में बेहतरीन टैलेंट मौजूद है डिजिटल टेक्नोलॉजी से फायदा उठाकर कारोबार के जदीद रास्ते तलाश किए जा सकते हैं डॉक्टर अफवाज अमन और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए पुरम आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का गवादर का दौरा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों आरोप ब्रीफिंग मुकामी अफरा और मंतख से मुलाकात मुख्तलिफ़ फलाही मंसूबों का एलान मुठी भर गुमराह अनासर बलोचि के आवाम और मुसल्ह अफवाज के अजम को मुतल नहीं कर सकते आर्मी चीफ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाक फौज और आवाम शाना बशाना शिमला के इलाके दत्ता खेल में ऑपरेशन हलावा दहशत गर्दों की तादाद नौ हो गयी भारी मकदार में असलह और गोला बारूद बराबर मकामी अफरात गर्दों के खिलाफ निगरान वजीर पंजाब के मुबारक से कबल मुफ्त आटे की फराज करने की हिदायत ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाएगा जिससे मुस्तक अफराद को बसानी मुफ्त आटा मुयसर आ सकेगा शहरियों को रमजानक के दौरान रिलीफ फ्राहम करने के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं वजी अला मोहसिन नकवी तुर्की और शाम के जल्जला लिए एक और बहरी जहाज़ इमदादी सामान लेकर रवाना तैतालीस तुर्की जबकि चौबीस कंटेनर्स भेजे जा रहे हैं छह सौ पचास टन से ज्यादा इमदादी सामान में खेमे कंबल, राशन और जरूरी अशिया शामिल मकबूसा कश्मीर में भारतीय फौज के मुसालम में इजाफा हरियत रहनमद इकबाल मीर फाजी यासिर और जफर अकबर बट के घरों आरोप छापे अमला की तोड़ भारत ने कश्मीरियों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है जुनूबी एशिया में अम का क्या तनास कश्मीर के हल ऐसी मुंसलिक है भारतीय फौजी अफसरों की अयाशियाँ आम फौजियों ऐसी तनखा सिविल ब्रोक्रेसी से उनतीस फीसद ज्यादा सौरा सल खरीदने के लिए पचास फीसद जबकि बेगमात को मेकअप का सामान खरीदने आरोप पैंतालीस फीसद डिस्काउंट आवाज बुलंद करने वालों को मुलाजमत ऐसी फारे कर दिया जाता है ते फलस्ती आरोप सेहोनी फोर्स की दहशत गर्दी मकबूजा बैतुल में इसराइली फौज के ताज़ा हमले मजीद चार फलस्ती शहीद दो दिनों में शहीद होने वालों की तादाद दस हो गई अफगानिस्तान के सुबह बल्क में खुदकुश धमाका गवर्नर समेत तीन अफरा किसी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की रूस और यूक्रेन के शहरों खारके और ओडेसा पर हमले चार हलाक, बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया कई इलाकों में बिजली बंद यूक्रेन के सदर की अकवा मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात अनाज राहदारी समझौते को अठारह मार्च के बाद भी जारी रखने पर इतफा और रावल पिंडी में पीएसएलएट का छब्बीस मैच दिफाई चैंपियन लाहौर केलंदर का इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए दो सौ सत्ताईस रन का हदफ फखर जमान की सेंचुरी फजल फारूकी की तीन विकेट मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एशिया पर देखिए बराहराज

महकमा जंगलात हुकूमत पंजाब की जानब से शजरकारी मुहिम मौसम बहाड़ 2023 का आगाज दरख्त लगाए उम्मीद जगाए मौसमियाती तब्दीलियों से बचाओ और माहौल को सरसब्जो शादा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए सरकारी नर्सरियों से दो तो रुपए का पौधा हासिल करें शिकायत की सूरत में जीरो फोर टू डबल नाइन टू डबल जीरो सेवन नाइन सिक्स आरोप रब्ता करें मजीद रहनुमाई के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें महकमा जंगलात हुकूमत पंजाब ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमुदीद सबसे सब पहले आपको बताएं विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2023 की बाबा मंजूरी दे दी है वजी मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतरिका हु को हिदायत की पाकिस्तानी हाजियों के सफर और हज के दौरान हर मुमकिन सहूलतें फ्राहम करने के लिए अलाम सऊदी अथॉरिटी से बातचीत करें और जल्द मौसर और जाम हकमदी मुरतब करें काबीना इजलास की तफसर बताएंगे मोहम्मद नबी अजहर विफाकी काबीना का इजलास वजी अजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत वजी हाउस इस्लाम आबाद में हुआ इजलास में हज पॉलिसी दो हजार तेईस और कौमी क्लीन एयर पॉलिसी की बाबता मंजूरी दी गयी वजी ने हुकाम को हदायत की के पाकिस्तानी हाजियों के सफर और हज के दौरान हर मुमकिन सहूलतों की फरहमी के लिए मरबूत इकदाम यकीनी बनाए जाए विफाकी काबीना ने वजारत मालियाती तब्ली की सिफारिश आरोप नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी की भी मंजूरी दी काबीना को बताया गया की पाकिस्तान गुजशतर बरसों शद फजाई का कार हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट दो हजार बाईस ऐसी मुताबिक कराची और लाहौर पाकिस्तान में हवा में मौजूद आलूदगी के एतबार सबसे सब ज्यादा मुतासर शहर है जिसकी वजह से इंसानी उम्र की औस हद में दो शरिया सात साल की कमी आई है जबकि शहरों में स्मोक ऐसी हादसा और मुख्तलिफ बीमारियों की तादाद में बेशुमार इजाफा हुआ है शहरियों की सेहत की हिफाजत सालाना मवाद में कमी जरात और शहरी और दही इलाकों में हवा के मयार को बेहतर बनाने के लिए ईंधन के मेयार को जोरो पाँच ऐसी जोरो छह सनतों के अखराज के लिए कड़े कवा जरात में जिदत और फसलों के फजले को जलाने का मौसर तदारक किया जाए इसके अलावा कूड़ा क्रिकेट को तलब करने के आलमी राय तरीकों और खाना पकाने में कम गैसों के खराज की पिजराई की जाए पॉलिसी के इतलाक ऐसी आइंदा दस साल में जहरीली गैसों के खराज में औसतन चालीस फीसद कमी आएगी इजलास ऐसी खिताब में वजीर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा की वजारते माहौलियाती तब्दीली की कौमी क्लीन एयर पॉलिसी काबिल स्ताइश है तहम इस पॉलिसी आरोप मौसर अमर दरामद के लिए फौरी जरूरी इकदाम उठाए जाए विफाकी काबीना ने वजारते कानून इंसाफ की सिफारिश आरोप नेशनल अकाउंटेबिलिटी तरमी आर्डिनेस दो हजार तेईस की भी मंजूरी दी तमाम स्टेक होल्डर ऐसी मुशावरत के बाद नैब आर्डिनेंस में ये तरामीम की गयी है जिनके बाद एहत अदालतों को इन केसेस की मुंतकली में कानूनी जवाब मिलेगा इन तरामीम ऐसी ये तासर भी ज़ायल होगा की ऐसे केसेज जो नए आर्डिनेंस के दायरे कार में नहीं आते वो डिक्रीमलाइज हो जाते हैं विफाकी काबीना को पावर डिवीजन की जानव ऐसी तोानाई बचत के हवाले ऐसी तफसीली ब्रीफिंग दी गयी इजलास को बताया गया की वजारत पावर पेट्रोलियम वजारत सनत वजारत तजारत और वजारत इतलात नशरियात काबीना की तरफ ऐसी मुतयन करदा अहदाफर तरजीही बुनियादों आरोप अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं विफाकी काबीना ने इकतदी रमेटी के यकम और छह मार्च के और काबीना कमेटी केसेस के 6 मार्च 2023 के फैसलों की भी तोसिख की मोहम्मद पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लामाबाद कराची दुनिया के आलूदा शहरों में शामिल है शहर में बढ़ती हुई आलूदगी के असबाब और आलूदगी के सदेबाब के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल जमाली शहर कायद की आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है नाकिस ईंधन का इस्तेमाल गाड़ियों के धुएं सनतों से निकलने वाले फजले और कचरे को जलाने से कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में अव्लिन मकाम रखता है आलूदगी जहाँ इंसानी निज़ाम तनफुस को मुतासर कर रही है वहीं आने वाली नस्ल पर भी इसका असर पड़ रहा है शहर में भैंसों के बाड़े भी फजा को जहरीला कर रहे हैं एक हमारे ऊपर हमला आवा क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से शदीद गर्मी बढ़ रही है जिसकी वजह से जो है वो अर्बन फ्लडिंग हो रही है तो ये सारे जो फैक्टर हैं, ये मिलके इस कराची शहर को बदतरीन सतह पर लेकर जा चुके हैं दरख्तों की कमी शजरकारी के बाद उनकी हिफाजत न करना माहौलिया तब्दीली रोजाना दो हजार ऐसी ज्यादा मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन शहर के माहौल को मजीद खराब कर रही है हमारे जो सनतकार है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है की वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए इसी तरीके से जो हमारे लोग है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है की भाई जो कचरा है उसको महफूज मकाम पर पहुँचाए उसको गली मोहल्लों में ना जलाए शहर में आलूदगी नापने के पैमानों में इजाफा आलूदगी फैलाने वाली सन्नतों की बंदिश वसी पैमाने पर शजरकारी कचरे को साइंसी बुनियादों पर तल्फ करने और शहर की बेदारी से सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है सुहेल जमाली पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ कराची वजीराम मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकन कौमी इसम्बली खालिद हुसैन मगसी ने मुलाकात की मुलाकात में मुल्क मजमू सियासी हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया वजी खजाना इसहाम एफ ऐसी अगले चंद में हो जाएगा मुल्क की खत्म करने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा इस्लामा की बहाली के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए वजी खजाना का कहना था कि मैशत के बारे में चलाई जाने वाली प्रोपीगेंडा मुहिम मुल्क के लिए नुकसानदेह है मजीद तफी राना इफ्तार अहमद ऐसी वजी खजाना इसहाक डार ने कहा की दो हजार तेरह में भी पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था

में इजाफे पर तो दे रहे हैं और महंगाई को कम करेंगे a इसक ने कहा की आईदा बजट में तमाम शोबों पर दी जाएगी। उन्होंने कहा की मबनी इकदाम उठाने का फैसला किया है वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बी डायरेक्टर और दूसरे मुक्रीन ने कहा की माशी बहरान की वजह ऐसी तरक्की का अमल मुतासर हुआ है इदारों में ढांचा जाती असला दरामद जरूरी है राना इफ्तार अहमद पर्चान टेलीविजन न्यूज इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने हमेशा बेसाखियों का सहारा लिया है पार्लियामेंट से इस्तीफे देने वाले अब वापसी के लिए भीख मांग रहे हैं लाहौर में पार्टी की नौजवान की आदत से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खातन और बच्चों को अपनी ढाल बना रखा है तफसर बताएंगे मोहम्मद सुफियान लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पार्टी सेक्रेटेरियट में नौजवान क्यादत से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा कि दुनिया की ये पहली तहरीक थी जिसमें लीडर घर छुप कर बैठा था और पीटीआई के नौजवान जेल भरो तहरीक में नजर आ रहे थे इमरान खान के अपने बच्चे लंदन में बैठे हैं और कॉम के बच्चे डंडे खा रहे हैं उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को कभी भी अपने लिए ढाल नहीं बनाया कॉल दी कोई रैली की जिस तरह जेल भरो तहरीक की कॉल दी और उसका ईंधन बनाया वर्कर्स को यंगस्टर्स को और खुद घर में छुप के बैठे रहे और आप देखो कि घर में ना सिर्फ छुप के बैठे रहे बल्कि जब तक पुलिस खड़ी रही चारपाई के नीचे से नहीं निकले और आगे किया हुआ था कौम के बच्चों को कल जो बच्चा जो कौम का नौजवान एक हलाक हुआ है मैंने आज अभी कहा है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए लेकिन क्या इस बात का जवाब यंगस्टर्स को नहीं मांगना चाहिए कौन सी दुनिया की ऐसी कैंपेन है या कौन सी दुनिया पहले पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए और वापसी के लिए भीख मांगी जा रही है मुस्लिम लीग नून दो में तरक्की करता पाकिस्तान छोड़कर कर गई थी एक शख्स मुल्क में इंतजार और फसाद फैला रहा है उन्होंने कहा कि इंसाफ का मैार सबके लिए बराबर होना चाहिए ये जो मैं बात करती हूँ कि पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे इसके ऊपर पाकिस्तान का बेस करता है नौजवानों इसके ऊपर आपका मुस्तकबिल बेस करता है जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा उस मुल्क में तरक्की नहीं आ सकती उसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा नौजवानों की तरक्की को अवलीन तरजीहात में रखा तकरीब ऐसी वजी अजम की मुआवन खसूस बरए अमूरे नौजवान शीजा फातमा और आशिकरमानी ने भी खिताब किया इस मौके पर मरीम नवाज ने नौजवानों में मुस्लिम लीग नून के कोऑर्डिनेटर्स की तैनाती के सर्टिफिकेट तकसीम किए मोहम्मद सुफियान पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज लाहौर दहशत गर्दी की जिम्मेदार विफाक वजी इतलात ने कहा की अदलिया से बचो तहरीक आरोप सिक्योरिटी का मसला नहीं होता अदालत बुलाए तो बीमारी माजूरी और बुजुर्गी हो जाती है उन्होंने कहा की गीदड़ तलाशी नहीं देगा क्योंकि वो फॉरन एजेंट भी है और घड़ी चोर भी वजीर खारजा बिलावल भुटो सरदारी और अकवा मुत जनरल इसम्बली के सदर कसाबा कुरूसी के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई जिसमें बाही दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया पाकिस्तान और सदर अवहदा जनरल इसम्बली की शराकत से होने वाली इस्लाम फोबिया की यादगारी दिन के हवाले से तकरीब के बारे में भी बातचीत हुई इस्लामो फोबिया के हवाले से तकरीब कल जनरल इसम्बली हॉल में मुनद की जाएगी मुलाकात में अकोम मुतहद में होने वाली वाटर कॉन्फ्रेंस के बारे में भी तबादला ख्याल हुआ खारजा पाकिस्तान की सामना है न्यूयॉर्क में से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि को समाजी और मुस्तकम बनाना होगा हमें खुतिन की हौसला शिकनी करने वाले अनासर के खिलाफ किरदार अदा करना होगा While speaking on behalf of the Muslim world, that women's rights are Islamic rights and Islamic rights enshrine women's rights. And we, uh, the representatives of Muslim countries, refuse to accept the, the characterizations of extremists, of Islamophobes, and of all of those who insist. आरिफ अलवी ने कहा है कि मुल्क में जहनी सेहत की जरूरत पूरा करने के लिए मरबूत इकदाम की जरूरत है इजरास की सदारत करते हुए सदर महमत ने कहा कि मुल्क की चौबीसवीं सर आबादी जहनी सेहत के लिए किसी न किसी मसले में मुबतला है इस हवाले से हुकूमत माहरी सेहत सिविल सोसाइटी की तनजीमों और मीडिया को फौरी तवजो देने की जरूरत है इजलास में वजेम स्ट्रेटिक रिफॉर्म्स यूनिट के सरबरा सलमान सूफी और माहरीन नफ्सियात बजरिया वीडियो लिंक शिक्षक हुए इजलास के शुराना ने दिमागीहत के मसायल में मुबतला लोगों को खिदमत फ्राम करने के लिए एक बाहमी नगहदाश्त के मॉडल की जरूरत पर जोर दिया सलमान सूफी ने वजेम सेक्रटरीट की जानब से दिमागी खदमात तक रसाई के लिए हमराज प्लेटफॉर्म और मैंटल हेल्थ हेल्पलाइन के बारे में बताया उन्होंने कहा कि दिमागी सेहत के मसाइल में मुबतला अफरा को मुतलक जहनी सेहत की ख़दमात और मुशावरत फ्राहम करने के लिए अब तक एक सौ चालीस माहरीन नफ्त्यात रजिस्टर्ड हो चुके हैं सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मुल्क में बेहतरीन इंटरनेट मौजूद है हम जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन को अपना कर ही हम तरक्की कर सकते हैं एवान है सदर इस्लामाबाद में अवामी फलाह के लिए डिजिटल निजाम खामिया और तदारक के से मुनादा सेमिनार से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि डिजिटलाइजेशन को अपनाने के साथ साथ शहरों को फ्रॉड के इम्कान से महफूज रहने के लिए भी चौकन्ना रहना होगा आपकी इकॉनमी का लेटेस्ट इशू आप उठाकर देखिए उसमें तस्वीर है कि सब्जी बेच रही है एक औरत और उसका क्यू आर कोड है कि मुझे पेमेंट करते रहो तो लिहाजा पाकिस्तान इफ़ इट हैज क्रेडिट इफ पाकिस्तान हैज टू कम आउट ऑफ़ पाकिस्तानी फाइनेंशियल डिजास्टर स्टेट्स तो उसके अंदर वन ऑफ द टूल्स जो हमारे पास मौजूद है इज लिंकिंग ऑफ पीपल डिजिटल निज़ाम जो है बिगेस्ट टूल बेस्ट टूल आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट फास्टर Much With जिस तेजी से भाग रही है वो हमारा और लोगों का गैप इनफैक्ट अगर ये हो कि ये यहाँ पहुँचे हम यहाँ पहुंचे ऐसा है नहीं दिसक चाहता है एक्सलरेटर पर पैर दिस कंट्री इज स्टैंड ऑन गोल्ड माइंड ऑफ पीपल सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से तसानिया में पाकिस्तान के नामजद हाई कमिश्नर सिराज अहमद खान ने मुलाकात की इस मौके पर सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान तंजानिया के साथ माशी और याफती रवाबत बढ़ाने का कहा है दो तरफा तल्लु मजीद मजबूत बनाने के लिए अली सतह के सियासी और सकाफ़ती तबादलों की जरूरत है सदर ममलिकत ने नामजर हाई कमिश्नर को तंजानिया के इदारों के सदादिकार में इजाफे के लिए पाकिस्तान की जानब से ताउन बढ़ाने की हिदायत की उन्होंने कहा कि नामजरहाई कमिश्नर दोनों ममालिक माम तजारत बढ़ाने के लिए काम करें आर्मी चीफ जनरल ने गवादर में समाज इक और इक्तारी तरक्की पर है आई एस पी आर के मुताबिक गवादर के दौरे के दौरान आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत की ऑपरेशनल तैयारियों समेत सी पैक सिक्योरिटी और पुरन और महफूज माहौल को यकीन बनाने की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई आर्मी चीफ ने तमाम रैंक की काविशों को सराहते हुए बलोचि के आवाम की भलाई के लिए पेशा वाराना के साथ काम जारी रखने पर जोर दिया है सिपा सलार ने मुकामी अफराद मंतब नुमाइंदों और मुख्तलिफ शोबा जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से भी मुलाकात की इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुठ्ठी भर गुमराह अनासर बलोचिस्तान के आवाम और मुसलह अफवाज के अजम को मुतजल नहीं कर सकते मुसलह अफवाज अमन और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए पुर्म हैं शमाली वजीरस्तान के इलाके दत्त खेल में ऑपरेशन में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तादाद नौ हो गई है ये ऑपरेशन गुजशतर रोज से जारी है गुजश् रोज दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में छह दहशतगर्द हलाक हुए थे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था जिसके दौरान आज मजीद तीन दहशत गर्दों को हला किया गया आई एस पी आर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया मारे जाने वाले दहशत गर्दों के कब्जे से भारी तादाद में इसलह और गोला बारूद कब्जे में ले दिया गया है इलाके के मकामी अफरादे दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशन को सराहा है उन्होंने दहशत गर्दी की लानंद के, के खिलाफ जारी जंग में पाक फौज के मुकम्मल हिमायत के अजम का अदा कियाग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब के लिए उम्मीदवारों से पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें तलब कर ली हैं वजीर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब और खैबर पख्तनख्वा में उम्मीदवारों की फहरिस्तों को हतमी शक्ल देने की पार्लिमानी बोर्ड्स को भी हिदायत की है उम्मीदवारों को हिदायत की गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से सुबह पंजाब में कागजात नामजदगी के लिए बारह मार्च की आखिरी तारीख का एलान होने के पेश नज़र अपने अपने हलकों में कागजात जमा कराएँ सदर मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवारों के नाम अपने पैगाम में कहा है कि अल्लाह ताली का नाम लेकर इंतबी मैदान में उतरने की तैयारी करें मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान और आवाम की खदमत का नाम है उन्होंने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई में हमने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला है अब भी सुरखरू होंगे महंगाई में कमी दहशत गर्दी का खात्मा आवाम के लिए बेहतरीन सफरी सहूलियात कायद नवाज शरीफ और उनकी जमात की पहचान है मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जैसे बिजली के अंधेरों को मिटाया पाकिस्तान को माशी को बनाया एक बार फिर यह मंजिल हासिल करेंगे सदर मुस्लिम लीग नू ने इंतबी मुहिम चलाने के लिए हिमत अमली की तैयारी की हिदायत भी की इंतबी उम्मीदवारों को दरख्वास्तें जमा करवाने के लिए एक सौ अस्सी एच मॉडल टाउन लाहौर पार्टी की मरकजी सेक्रेटेरिएट तो रा करने की भी हिदायत की गई है तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलूच ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इनर्जी सिक्योरिटी डायलागर और क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट वर्किंग ग्रुप के मजाक आइंदा हफ्ते होंगे हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वज्रे ममलिकत खार्जा अमोर हिनाबानी खर दस मार्च को बहरीन में मनामा डायलॉग में हिस्सा लेंगी और पंद्रह मार्च को बरतानिया में दौलत मुश्तरक के अजलास में शिरकत करेंगी तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के मुतहर रखन की हैसियत में एस सी ओ के तमाम सरगर्मियों में शिरकत करता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी बेपना मसरूफियात की बिना पर भारत में होने वाली एस सी ओ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस अजलास में शिरकत नहीं कर पाएंगे मकबूजा कश्मीर में भारतीय खुफ़िया एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस एहलकारों के हमरह श्रीनगर इस्लाह और और मकबूज़ाबादी के देगर इलाकों में कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस के रहनमा मोहम्मद इकबाल मीर काजी यासिर और जफ़र अकबर बट के घरों पर छापे मारे के एम एस के मुताबिक ये छापे हरियत रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने की मोदी हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है भारतीय पुलिस ने जम्मू के पानामा चौक पर मुसल दूसरे दिन से एहतजा करने वालों नौकरियों की मतलाशी कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया डोडा भदरवा और जम्मू के दीगर इलाकों के अलावा प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में भी एहतिया मुजाहरे गए मकबूजा इलाके के सियासतदानों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में अपने बयान में एहतजाज करने वाले मुलाजमतों के मतलाशी नौजवानों की गिरफ्तारी और उन पर पुलिस की जानब से ताकत के वहाना इस्तेमाल की मसम्मत की है कुल जमाती हरियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि अकोम मतहद की करारदादों और कश्मीरी आवाम की ख्वाशा के मुताबिक तनाज़ कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में पायदार अम कायम नहीं हो सकता हरीत तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में अको मतहदा और आलमी ताकतों पर जोर दिया है कि वह देरीना तनाज कश्मीर के हल में संजीदगी का मुजाहरा करें क्योंकि इस तनाज़े के बायस अब तक हज़ारों बेगुनाह कश्मीरी शहीद हो चुके हैं जनेवा में अवहदा की इसानी हकूक कौंसिल के जारी इजलास के दौरान कश्मीरी नुमाइंदे अल्ताफ़ हुसैन वानी सैयद फैज़ नक्शबंदी अमजद यूसुफ और शमीम शाल ने अपने खिताब में श्रका को बताया कि भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए ताकत का वहशियना इस्तेमाल काले खवानी मावरा अदालत कत्ल दौरान हिरासत कत्ल खीन की आबरू रेजी तशद और जबरी गिरफ्तारियों समेत मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है भारतीय फौज के अफसरों की अयाशियों पर फौजी जवान सख्त नाला हैं। भारतीय फौज में अफसरान फौजी जवानों को मिलने वाली सहूलियात और फंड्स हड़प कर रहे हैं रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौजी अफसरान को सौरभ सलफ खरीदने के लिए पचास फीसद जबकि उनकी बेगमात को मेकअप का सामान खरीदने के लिए पैंतालीस फीसद डिस्काउंट दिया जाता है अब तो भारतीय फौजी अफसरान ने इनकम टैक्स कम अदा करने के लिए भी कानून साजी कर ली है भारतीय कानून के मुताबिक ज़िलाई ज़मीन का बीसवां हिस्सा रिटायर्ड फौजियों के लिए मुख्तस है जिसमें से, जिस से भी ज़्यादातर फौजी अफसरान ले उठते हैं रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौजी ऑफिसर मुफ्त का राशन भी पिटोरते हैं और लॉन्स भी भारतीय फौज अपने अफसरान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले जवानों की सुनवाई के बजाय उन्हें मुलाजमतों से ही बर्खास्त कर रही है गैर मीरी खाना देने जवानों की वेलफेयर फंडाशियों और नारवा सलूक के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले जवानों को न सिर्फ तशद का निशाना बनाया गया बल्कि उनको मुलाजमतों से ही फारिग कर दिया गया और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की पी एस एल एट के छब्बीसवे मैच में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दो सौ सत्ताईस रन का हदफ दिया है जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी है मैच पीटी स्पोर्ट ऐसी बरा रास्त दिखाया जा रहा है पिजे क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में लाहौर कलेंदर्स ऐसी टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रा बीस में पांच विकेट्स के नुकसान पर दो सौ छब्बीस रन बनाए तीन के मजमू स्कोर पर अब्दुल्ला शफीक एक रन बनाकर आउट हुए दूसरे विकेट पर फखर जमान और कामरान गुलाम ने एक सौ बाईस रन की शरात कायम की कामरान गुलाम इकतालीस रन बनाकर पवेलियन डॉट गए फखर जमान ने शानदार बैटिंग करते तो हुए पचास गेंदों पर टीएसएल की पांचवी तेज तीन सेंचुरी स्कोर की उन्होंने आठ छक्कों और आठ चौकों की मदद से सत्तावन गेंदों पर एक सौ पंद्रह रन की इनिंग्स खेली सैम बिलिंग्स ने बत्तीस रन बनाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से फसल फारूकी ने तीन जबकि हसन अली और मोहम्मद वसीम ने एक एक विकेट हासिल किए और पाकिस्तान सुपर लीग एट की अपडेट्स क्या हैं हैं बता रहे शफीक खान जी बहुत शुक्रिया पाकिस्तान सुपर लीग सीजन में दिलचस्प और खेज मैचेस जारी हैं पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने होम ग्राउंड पर दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कर रही है फाते टीम पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ जाएगी मजीद जानते हैं पिंडी स्टेडियम में मौजूद हमारे जिशान नुमाइंदेयम से जी जिशान बताइएगा जी पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी हैं गुजश्ता मैचेस की तरह आज भी एक बड़ा मुकाबला हो रहा है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अपने होम ग्राउंड पर आज मैच खेल रही है जबकि लाहौर कलंदर्स दिफाई चैंपियन है और वो अपनी फतवाहा के सिलसिले को जारी रखे हुए है दोनों टीमें जो है पहले ही प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं दोनों टीमों के 12-12 पॉइंट्स हैं आज इनके दरमान अगर कोई जंग है तो वो 14 पॉइंट्स हासिल करने की है और जो टीम आज का मैच जीतेगी वो पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ जाएगी शाइन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मैच से पहले भी आ गई और अभी भी आप देख रहे हैं कि शायक जो है वो जोंक दर जोक स्टेडियम आ रहे हैं और आज ये हाउसफुल होने वाला है क्योंकि इस्लामाबाद का मैच है तो इस्लामाबाद के मैच को देखने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग पूरे जो है वो एक जोश और खरोश के साथ स्टेडियम दाखिल होते हैं पिशावर जलमी मुल्तान सुल्तान और कोयटा कोडिएटर जो है वो अब आपस में मुकाबला कर रही हैं कि प्ले के लिए जो बाकी दो स्पॉट्स रह गए हैं उनमें कौन सी टीम पहुंचेगी होम टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मुकाबला देखने के लिए पिंडी स्टेडियम में बड़ी तादाद में शाइकिन ने एंट्री दी शाइकीन क्रिकेट की फेवरेट टीम कौन सी है आइए आपको दिखाते हैं लाहौर कलंदर मेरी फेवरेट टीम है और शाइन शफरी मेरा फेवरेट प्लेयर है वे फ्रॉम लंदन एंड वी कम वी लव क्रिकेट सो वी कम टू वॉच क्रिकेट एंड आवर फेवरेट टीम इज पेशावर ज़ल्मी बच्चों ने बड़ी जिद की भाई मैच देखना है इसीलिए टीवी पे तो देखते रहते हैं अक्सर लेकिन जो क्राउड uh, इधर नजर आ रहा है जिस तरह आने में हमें दिक्कत हुई हम पहुंच गए और इतना क्राउड था तो इसे लग रहा है कि मैच अच्छे हो रहे हैं। का बहुत बड़ा फैन उसकी तरह वेट भी हुआ है। बहुत अच्छा प्लेयर है बहुत हार्ड खेलता है वेट उसका थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस अगर दे रहा है तो उसको टीम भी होना चाहिए भाग के जाना पड़ रहा है पाकिस्तान सुपर लीग सी एट के सताइसवे मैच में पिशावर जलमी और मुल्तान सुल्तान की टीमें रावल पिंडी में टकराएंगी मैच शाम सात बजे ऐसी पीटीवी स्पोर्ट एच डी पे बराह रास्त दिखाया जाएगा दोनों टीमों के लिए ये मैच अहमियत का हामिल है जीतने वाली टीम प्ले ऑफ मरले के लिए क्वालिफाई करेगी और मुल्तान के दरमियान पी एस एल एट में होने वाले पहले मैच में सुल्तान्स ने रन से कामयाबी हासिल की थी पेशावर जलमी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान अहम टाकरा होगा बड़े मैच के बड़े खिलाड़ियों की बात करते हैं तो आपको बताते चलें कि बैटर्स में दोनों कप्तान अपनी अपनी टीमों के टॉप स्कोरर हैं मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद रिजवान 421 सौ रन के साथ रवा इवेंट के टॉप स्कोरर भी हैं पेशावर जलमी के बाबर आजम ने तीन सौ तैतालीस रन बना रखे हैं दोनों बल्लेबाजों ने एक एक सेंचुरी और तीन, तीन 50 स्कोर की बॉलर्स में मुल्तान सुल्तान के एहसान उल्ला की बेहतरीन कारकरी का सिलसिला जारी है आठ मैच में अठारह विकटों के साथ रवा इवेंट के टॉप बॉलर हैं पेशावर जलमी की तरफ से अब तक के बहाब रियाज ने सबसे ज्यादा आठ विकटें हासिल की हैं स्पोर्ट्स डे से फिल वक्त इतना ही अब चलते हैं मेन डेस्क की जानेब शुक्रिया शफीक खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा हुकूमत पंजाब की जानब ऐसी मौसम में बहार के रंगों ऐसी सजा खुशियों भरा त्यौहार जश्न बहारा पाँच ताब बारह मार्च दो हजार तेईस नामवर फनकारों की शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज साहर अली बग्गा और हुमैना अरशद नौ मार्च शाम सात बजे सोच दी बैंड दस मार्च शाम सात बजे आरिफ लोहार और शाजिया मंजूर ग्यारह मार्च शाम सात बजे इसके अलावा पाँच ताब बारह मार्च मुनद होने वाली तकीबात लेजर एंड लाइट शो शाही किला लकी ईरानी सर्कस ग्रेटर इकबाल पार्क फूड एंड आर्टिजन मेला चिलानी पार्क महाफिल समा दादा दरबार गंजब रुस्तो में पंजाब दंगल पंजाब स्टेडियम निश्तर पार्क 10 मार्च दोपहर दो बजे जो डी साइकिल लिबर्टी चौक से आगाज 12 मार्च सुबह 7 बजे दौड़ लोहर दौड़ मैराथन और फैमिली फन रेस लिबर्टी चौक से आगाज 12 मार्च सुबह 8 बजे जीतने वाले खुश के लिए लाखों रूपए के कैश इनाम जश्न बारा की तमाम तक पर सरकारी खजाने से एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा रहा पंजाब के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद मदीद यहाँ पर खबरनामे में आपको बताएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया है और हंड्रेड इंडेक्स 226 पॉइंट्स के इजाफे के बाद इकतालीस हजार पाँच सौ पचासी पर बंद हुआ बाजार हिस्से में बाईस करोड़ नब्बे लाख अठासी हज़ार शेयर का कारोबार हुआ जिनकी मारियत सात अरब तैंतालीस करोड़ बारह लाख रुपए से ज्यादा थी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दो सौ पंद्रह कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा एक सौ सात कंपनीज के शेयर की कीमतों में कमी जबकि इक्कीस कंपनीज के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई वजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर एन डी एम ए ने तुर्की और शाम के लिए इमदी सामान की बड़ी खेप बहरी जहाज़ के जरिए कराची से रवाना कर दी है तर्जुमान के मुताबिक इमदादी सामान से लदे पैंसठ कंटेनर्स बहरी जहाज़ के जरिए रवाना किए गए हैं इस खेप में तुर्की के लिए मौसम सरमा के आठ हजार दो सौ खैमे और शाम के लिए पंद्रह हजार राशन बैग और दीर जरूरी अशिया शामिल हैं इमदादी सामान लेकर रवाना होने वाला बहरी जहाज़ पंद्रह दिन में मंजिल पर पहुंचेगा एन डी एम ए पाकिस्तानी आवाम की जानब से जल्जला जदा तुर्क और शामी भाइयों की मदद के लिए मुसलसल मसरूफ अमल है विफाकी वजी मनसूबाबंदी एसन इकबाल की जीरो वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत जारी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ का जायजा अजलास इस्लामाबाद में हुआ जिसमें वजारत के तरक्याती मनूबों पर ब्रीफिंग की गई वजी मनसूबाबंदी ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत जारी तरक्याती मनसूबे जो तकमील के करीब है जल्द मुकम्मल किया जाए विफाक वजीर ने मुतल को हदायत की बल्तिसान का अपना आई टी बोर्ड और इंफॉमेशन टेक्नोजी पार्क भी कायम किया जाए वजी मनसूबाबंदी और तरक्की असन इकबाल ने खातन के आलमी दिन के हवाले से इस्लाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की पॉलिसी है कि खातन को हरासा करने का अमल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा खातान को तमाम शोबों में यक्सा मौाक़ फराहम करने के लिए भरपूर इकदाम उठाए गए हैं एक बड़ा इकनॉमिक डवेलपमेंट और सोशल चैलेंज पाकिस्तान में जेंडर डिस्पैरिटी का है चूँकि अगर हमने पाकिस्तान को वाकई तेज़ रफ़्तार तरक्की के रास्ते पर डालना है तो इसके लिए हमें सौ फीसद आबादी को मुल्क के तरक्की के अमल से जोड़ना है ये नहीं हो सकता कि आधी आबादी जो है वो डेवलपमेंट के अमल से बिल्कुल ताल्लुक हो और हम इस डेवलपमेंट जर्नी में तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकें मुबैया बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने के जुर्म में ना अहल करार दिए जाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी मुकदमे की समात के दौरान दरख्वास्त गने ना अहली के दावे के सबूत में बारह नई दस्तावेजा जमा करा दी हैं फारूक की सरबराही में तीन अपनी लार्जर बेंच ने की अदालत ने दरखास्तार की जानब से इजाफी दस्तावेज जमा कराने की सजा मंजूर कर ली दस्तावेजा में इमरान खान के खिलाफ टैरियन वाइट के हवाले से माजी के दो केसेज का मुकम्मल रिकॉर्ड इमरान खान की इलेक्शन कमीशन में व्यान हल्फी की कॉपी और असम्बली की सात नशस्तों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन भी शामिल है अदालत ने दरख्वास में तरमीम की सदा पर इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए समा तेरह मार्च तक मुलतवी कर कोयता की अदालत ने इधारों के खिलाफ फर्जा के केस में इमरान खान के नाकाले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं शहरी अब्दुल खलील काकड़ की जानब से बिजली रोड थाने में एफ आई आर पांच मार्च को दर्ज कराई गई थी एफ आई ए एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए मुलिम शेब अहमद शेख को गिरफ्तार कर लिया है मुलिम ने जाली डिग्री स्कैंडल एग्जैक्ट के तहत साइबर क्राइम सर्कल में दर्ज मुकदमे से बरियत हासिल करने के लिए रिश्वत दी थी मुलम के खिलाफ एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज था मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है मुशीर उमर कश्मीर कमर कायरा ने कहा है कि मुल्क की, की तक मीडिया ऐसी बातें करते हुए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए वजीरजम के मुशीर कमर जमान कायरा ने गा रोज लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानब ऐसी पुलिस आरोप तशद के वाक की शदीद मजम्मत करते हुए कहा किसीत दिफा नहीं किया जा सकता उस दिन अगर पुलिस ने ये बात कही थी कि हमने 144 फोर्टी नाफि कर दी है अब नहीं निकाल सकते तो कोर्ट द बेस्ट वे वहाँ से उनको इंसाफ मिलता ही है बजाय इसके कि उनके उन पुलिस पे चढ़ दौड़ते उनकी गाड़ियाँ तोड़ते उनको लाठी चार्ज उन पे पुलिस पे करते खान साहब को भी चाहिए कि वो पुरतशद गुफ्तगु का और पुरत सियासत का रास्ता छोड़े और अमन का रास्ता इख्तार कर उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी मफाहमत और पुरान सियासत के हामी है और इस वक्त मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए सियासी इसकाम बेहद जरूरी है उन्होंने कहा कि शेड्यूल के मुताबिक सितंबर अक्टूबर में एक ही वक्त में इलेक्शन के निकाद से मुल्क के अरबों रुपए बचाए जा सकते हैं इससे पहले एफसी कॉलेज की साइंस फेयर तकरीब से खिताब में कमर जमान कायरा ने कहा कि साइंस की तरक्की से ही सोच में तब्दीली पैदा हुई और अब साइंस की बदौलत ही इंतहा पसंदी का खात्मा मुमकिन होगा उन्होंने तमाम शोबों में तरक्की के लिए साइंसूम पर तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया साइंस की प्रमोशन से एक काम तो ये हुआ कि दुनिया में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज आई So, उसमे बहुत सारे बीमारियों का इलाज हुआ भूख का इलाज हुआ कमर कायरा ने साइंस फेयर में तालब के प्रोजेक्ट देखे और उनकी कोशिशों को सराहा फरहाना खान पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज लाहौर विफाकी वजी तजारत सैद नवीद कमर से मुतहदा अरब अमारा के सफ़ी हमाद उबैद इब्राहिम सालिमी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की विफाक वजी ने कहा कि दो तरफ़ा तजारत बढ़ाने की जरूरत है दोनों मुल्कों के दरमियान काबिल तजद तोानाई टेक्सटाइल गोश्ती पैदावार और पेट्रोलियम के शोबों में तावन के वसी इम्कान मौजूद हैं यू ए के सफी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान महबहबी तारीखी और ताउन पर मबनी तल्लत हैं जिन्हें दो तरफा तजारत में इजाफे के जरिए मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है वजीर जावेद और के में, में चेयरलिफ्ट की बहाली के हवाले से गुफगू की गई मुलाकात में गलियात का नुमाइंदा वफ भी मौजूद था वफाकी वजी मुर्तजा जावेद अब्बासी ने बंडा काजिया रहमानाबाद में इकसठ करोड़ की लागत से गैस फरहमी के मनसूबे का अफताह भी किया तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुजशा हुकूमत की जानब से अल्तवा का शिकार किए गए मनसूबों को दोबारा शुरू करके अवामी फलाह के कामों का आगाज कर दिया है वफाखी वजीर ने कहा कि हुकूमत इलाके के आवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए दिन रात को शां है वजीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी कहते हैं पुरन एहतजाज सबका हक है इमरान खान को सड़कों पर एहतजा करने के बजाय अदालतों का दरवाजा खटखटाना चाहिए मुल्तान में मीडिया से गुफ्तुरते हुए कहा कि मौसम खुशी में इमरान खान ने सबको पीछे छोड़ दिया है पी टी आई की पंजाब में चार साल हुकूमत रही लेकिन वो बल्दियातीक्शन न करवा सके पी टी आई वालों ने इस्तीफे दिए और कहा कि कबूल करें जब कबूल किए तो रोना शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बिलावल भुट्टो की वजह से कामयाब हो रही है निगरा वजी अलम महसिन नकवी की रमजान मुबारक की आमद से कबल मुफ्त आटे की के मनसूबे का आगाज़ करने की हिदायत की है लाहौर में मुबारक के दौरान मुस्तक ख़ानदानों खा, को मुफ्त आटे की फरहमी के प्रोग्राम के हवाले से से ख़ताब करते हुए महसिन नकवी ने कहा कि ऐसा निज़ाम वसा किया जाए जिससे मुस्क अफराद को बसानी मुफ्त आटा मुयसर आ सके उन्होंने कहा कि सूबे भर में शहरीों को रमज़ानमारक के दौरान रिलीफ फराम करने के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं निगरान वजी ने मुफ्त आटे की फरहमी के लिए पॉइंट्स में इजाफ़ा करने समेत मुतलक महकमों को हिदायत की कि शहरीों को कदार की जहमत से बचाने के लिए हितमत अमली तैयार की जाए इजलास में रमजान के दौरान मुस्तक खानदानों को मुफ्त आटे की फरहमी के मनसूबे का जायजा लिया गया निगरान वजी पंजाब मोहसिन नकवी ने खातन के लिए सेफ्टी एप फौरी तौर पर फाल करने का हुक्म दिया है निगरान वजी की सदारत में लाहौर में इजलास हुआ जिसमें आई जी पंजाब और चेयरमैन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने हेल्प लाइन कोबीना के के ने सूबे के कच्चे इलाकों से डाकुओं के खात्मे के लिए मुश्तर के तहत ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है सिंध के वजीर अला सैयद मुराद अली शाह के जीरो काबीना के इजलास में बताया गया इस पंजाब और बलोचि की पुलिस रेंजर्स और पाक फौज के एहलकार भी हिस्सा लेंगे काबीना ने मिलिट्री ग्रेड फील्ड और सर्विलेंस हथियारों की खरीदारी के लिए दो अरब रुपये की भी मंजूरी दी इजलास में माहिर रमजान में कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अफसरान को सूबे भर में कीमतों को कंट्रोल करने के इख्तियार देने की भी मंजूरी थी और गवर्नर पंजाब मोहम्मद रहमान से स्विट्ज़रलैंड के सफी जॉर्जेंस ने लाहौर में मुलाकात की मुलाकात में वाहिर दिलचपी के मूर और दो तरफा तजारत को फरोह देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान में गैर मुल्क सरम्यकारों के लिए साजगार माहौल और मुख्तिक शोबों में सरमाकारी के वसी माक़े मौजूद हैं गवर्नर बलोचि मालिक वली खान काकड़ से विफाकी वजी दिफाई पैदावार सरदार इसरार तरीन ने कोयटा में मुलाकात की गुफ्तू के दौरान बहमी दिलचस्पी के अमूर बलोचस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद और पेश पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया सदर मल्लिकत की अहलिया बेगम समीना अवी ने कहा है कि कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इसकी खातन मर्दों के शाना बशाना अपना किरदार अदा ना करें फ़जाई अब कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमन पी ए अफनर खान की तीसवेंशन की तकरीब से खिताब करते उन्होंने कहा कि आज के जदीद दौर में हमारी यूनिवर्सिटीज़ को आई टी और साइबर सिक्योरिटी जैसे शोबों पर तोज्जो मरकूज करने की जरूरत है तरीब के अख्तदाम पर बेगम समी अलवी ने तालबात को मेडल्स दिए में के पर बने पोस्टर की नुमाइश का किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि की माहौलियातीब्दीली के चैलेंज ऐसी निमटने के लिए शजरकारी नागजीर है और हमें इस हवाले ऐसी अपना किरदार अदा करना होगा उन्होंने पाकिस्तानी सकत और आर्ट को तरवीज में नेशनल को भी सराहा कुदरती आफा ऐसी बचाव की तैयारी और रद्द अमल ऐसी मुतल दो रोजा वर्कशॉप का इनका किया गया तफ़ी बताएंगे शाहरुख शफीर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिसर्च ब्रांच एन ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लाबाद में अफात की तैयारी और रिस्पॉन्स के लाए अमल पर दो रोजा वर्कशॉप का इनका किया वर्कशॉप का मकसद डिजास्टर मैनेजमेंट में, में मौजूद खामियों की निशानदही करना और पाकिस्तान में आफात के खतरे को कम करने के लिए फ्रेमवर्क के मुताबिक तैयारी के लाहे अमल को तय करना है रेक्टर न्यूटेक ने कहा कुदरती आफात की तैयारी और रिस्पॉन्स सिस्टम के हवाले से एन का किरदार मरकजी है उन्होंने हंगामी तैयारियों के लिए तहकीक पर मबनी मॉड्यूल्स और मौसमियाती खतरा की तदार के लिए फर्जी मशकों पर जोर दिया वर्कशॉप में ताली माह महिला मौसम रेस्क्यू वन वन टू टू एन जी ओ और दीगर मुतल सरकारी महकमो ने शिरकत की पाकिस्तान में एक नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर किया जा रहा है जहाँ पे तमाम किस्म के डिज़ास्टर से रिलेटेड जो नेशनल पिक्चर है वो हमारे सामने होगी बड़ी बड़ी स्क्रीनस के ऊपर और रियल टाइम डाटा जो है वो आपके पास अवेलेबल होगा ताकि आप बैठ के उसकी असेसमेंट कर सकें और उसके मुताबिक मनसूबाबंदी जो है वो आगे की जा सके हमने सबको इन्वाइट किया है जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके पास बहुत डाटा है उन डाटा को हम उनसे एक्वायर करेंगे और रिसर्च के लिए एकडीमिया को देंगे ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसको आपने आपने तमाम एकेडमिया को तमाम ब्रेंस को आपने एक प्लेटफॉर्म पे ला के उनको आपने नेशनल से अप्राइज है। हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे आके एक कर कर तकरीब के एक पर में और तारीफी असनाद तकसीम की गयी शाहरुख शफी पाबे न्यूज इस्लामाबाद पार्लियामेंट कमेटी ने सोशल मीडिया पर मनफी और गलत प्रॉपर गोकथाम के लिए कानून साजी पर जोर दिया है चेयरमैन नूर आलम खान की सदारत में होने वाले इजलास में वजारत इतला और पीटी को इस सिलसिले में इकदाम करने की हिदायत की गयी चेयरमैन कमेटी ने रियासत और मुल्की इदारों के खिलाफ हर्ज़ा सराई करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने की हिदायत भी की अजलास में वजारती तो से मुतालिक ऑडिट एतराज का भी जायजा लिया गया सैनेट की स्टैंडिंग कमेटी कौमी वर्षा और चेयरमैन अफतान खान ने लाहौर में अलामा इकबाल की रहायश गाह के तहफ के मनसूबे पर काम की रफ्तार को तेज करने का हुक्म दिया है लाहौर में बजरास के दौरान उन्होंने महकमादीमा के हुकाम कोई से हर तीन महीने बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने के की। की कमेटी ने मैकलोड रोड परामा इकबाल की रहायशाह का दौरा भी किया और इसका जायजा लिया चेयरमैन कमेटी नेकबाल की रहायश गह के हाथ में पौधा भी लगाया की कमेटी निज़कारी का शमी जकारी काटर शमीद इस्लाबाद में हुआ वजारत निजकारी केकाम और चेयरमैन सी डी ए ने कन्शन सेंटर की निजकारी पर ब्रीफिंग दी कमेटी को बताया गया कि कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद अक्टूबर दो हजार अठारह ऐसी निजारी लिस्ट में शामिल है कमेटी को पाक चाइना फर्टिलाइजर कंपनी हरिपुर की निजकारी के बारे में भी ब्रीफ किया गया बलोचिस्तान के बारे में खसूस कमेटी का अजला चेयरमैन खालिद हुसैन मकसी की सदारत में पार्लियमेंट हाउस में हुआ अजलास में सूबे के मुख्त अहम मसाइल पर गौर किया गया जिनमें मुलाजमतों के लिए छह सूबे को यकीनी बनाना अंदरूनी तौर पर बेघर अफराद की आबादकारी अफगान महाजरीन की रजिस्ट्रेशन और हालिया सैलाब की वजह से, से बेघर होने वाले अफराद की भारी शामिल है कमेटी ने बलोचिस्तान में आला तलीम के मामले पर भी गौर किया नाजरीन पाकिस्तान समेत दुनिया को माशी मसायल का सामना है दरपेश चैलेंजेस से किस तरह निपटा जा सकता है इस हवाले से इस्लाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनका किया गया जानेंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास से कॉन्फ्रेंस के इनका मकसद ये था कि डिजिटलाइजेशन के दौर में इकत मैदान में किस तरह तरक्की हो सकती है कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकरिन ने कहा कि तालीम तक रसाई बढ़ाने और निसाब काउंसलों के जरिए की को यकीनी बनाने के लिए डिजिटलाइज तालीमी निज़ाम का होना जरूरी है आज के दौर में नौजवानों को एक सादी और कारोबारी शोबे में डिजिटलाइजेशन की अहमियत को समझना होगा मुझे पूरा यकीन है की हमारे रिसर्चर्स को और दूसरा जो हमारे स्टूर्ण, all the universities and that will definitely provide a huge support uh, to what is currently happening in the digitalization world issues face ho rahe issues pe jab baat hogi to baad se fir ideas generate honge aur fir un ideas ko kis tarah humne solve karna hai so us pe debates honge and then we can come up with a better solution mujhe experiences hain jo unki findings hain jo unki studies hain जब वो student को ये share करते हैं तो एक hands-on experience मिलता है student को एक classroom environment जहाँ पे teacher और यहाँ पे एक्सपर्ट लोग हैं जो डिफरेंट फील्ड से आए हुए हैं और वो स्टूडेंट को बता रहे हैं तो मेन चीज़ ये है कि इन लोगों को मौका देना चाहिए जो इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर सकते, जो को कर सकते और फिर उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कॉन्फ्रेंस में मजबूई तौर पर सत्तावन कौमी और बैन अमी मह ने शिरकत की जिन्होंने फाइनानस इकनमिक्स मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के शोबे में अपने तहकी मकाले पेश किए मोहम्मद मज़हर अब्बास पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लामा सेक्रेटरी खारजा असद मजीद खान से इंडोनेशिया के सफीर एडम टोगियो, काजस्तान के सफीर जरसान के स्टाफिन और चीन की नाजम उमूर विनजो ने दफ्तर खारजा में अलग अलग मुलाकातें की सेक्रेटरी खारजा ने चीन की नाजम अमूर के साथ मुलाकात में पाकिस्तान की रखी और इसकाम में चीन के गाफुल को सराहा पाकिस्तान के सफीर से मुलाकात में असद वजीर खान ने दोनों मुल्कों के दरमिया तल्लार खसूसा तजारत और अवामी रवाबत के फरूख पर बात की इंडोनेशिया के सफीर से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमान बाहमी दिलचस्पी को मूर्व पर तबादला तो ख्याल किया गया दोनों अफ्रीका ने माशी ताउन तजारत और सरमाकारी के फरूह के अज़्म का अदा किया फाक दार यू कैपिटल का वदनी की सदारत में में हुआ। इजलास में पाकिस्तान के मुख्त प्रंट और इलेक्ट्रॉ मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों ने शिरकत की श्रका ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाज में दुरुस्त खबर जिम्मेदारी के साथ इंतहाई अहम है श्रका ने कहा कि मीडिया मौजूदा हालात के तनाज में जिम्मेदारी का सबूत देते हुए मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करे असलम नाजरन मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये मैं हूँ आपके साथ कासम अली नाजीन आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चौबीस घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में दिन के औकात में दर्ज हरारत में इजाफे का अम्कान जाहिर किया गया है और अब आपको मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएँ कि मिट्टी में अड़तीस ठट्ठा में सैंतीस टंडोजाम में सैंतीस शहीद में नज़ीराबाद में भी सैंतीस जबकि नौकुंडी में अट्ठाईस डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और अब आपको मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में ग्यारह लाहौर सोलह कराची उन्नीस पिशावर में बारह जबकि कोयटा में सात डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया नाज्रीन मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं मौसम की खबरों से इतना ही शुक्रिया कासिम नाजीन मौसम का हाल आपने जाना शामिल करेंगे कुछ बैन अलवी खबरें यहाँ आपको बताएं अफगानिस्तान के सूबे बल्क के गवर्नर दाऊद मुसम्मल समेत तीन अफराद दफ्तर में होने वाले एक जोरदार धमाके में जहाँ बक हो गए हैं अफगान मीडिया के मुताबिक बल्क के गवर्नर के दफ्तर में उस वक्त धमाका हुआ जब वहाँ शहरों की बड़ी तादाद अपने मसायल के हल के लिए मौजूद थी और अला सतह के इंतजामी अजलास भी जारी था धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी गई जबकि आस पास की इमारतों और गाड़ियों के शीशे भी टूट गए बाज़ अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका खुद गुशा और जारी नुकसान में इजाफे का खर्चा है फलस्ती होनी काबिज फौज हो ने जाबा के इलाके में फायरिंग करके फलस्तियों को शहीद किया गुजा रोज भी इसराइली हमलों में सात फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे जिसके बाद दो दिनों में शहीद होने वाले फलस्तियों की तादाद दस हो गई है अब इस फौज की पुरतद कार्रवाईओं के बाद चेन के इलाके में सख्त कशीदगी पाई जाती है दूसरी जानब यूरोपीय यूनियन ने इसराइल और फलस्तन से तनाव में कमी करने की अपील की है यूरोपीय यूनियन के हाई कमिश्नर बरए खारजा ताल्लक़ा जजुफरियल ने एक बयान में कहा है कि हम इसराइली और फलस्ती हुकाम से हालात में नरमी लाने और तनाव में शदत पैदा करने वाले इकदाम से परहेज करने की अपील करते हैं उन्होंने कहा कि इसराइल को गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए इसी के साथ खबरनामा हुआ मुकम्मल कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ देखते रहिए पीटीवी न्यूज